जनपद संभल की रजपुरा थाना पुलिस ने दीपपुर टांडा के पास सीमेंट से भरे गायब हुए ट्रक की घटना का खुलासा किया, जिसमें ट्रक का चालक गिरफ्तार। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी गुन्नौर कृष्णकांत सरोज ने बताया कि 18 जुलाई की रात 2 बजे 112 पर सूचना मिली कि रजपुरा थाना क्षेत्र में दीपपुर डांडा के पास सीमेंट से लदा हुआ एक ट्रक लूट गया है। जानकारी मिलते ही रजपुरा थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी गुन्नौर कृष्णकांत सरोज मौके पर पहुंचे और मामले के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की गई। चौकी प्रभारी टी पॉइंट रत्नेश कुमार ने मई टीम के ट्रक चालक को नूरपुर तिराहा से गिरफ्तार किया। अभियुक्त की निशानदेही पर एसपी पेट्रोल पंप बबराला के सामने उक्त ट्रक को मई माल 800 बोरा सीमेंट के बरामद कर लिया, जिसके बाद ट्रक चालक ओम प्रकाश तथा उसके एक अज्ञात साथी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये रात में 2 बजे के 18 तारीख की रात में 2 बजे के आसपास यूपी 112 पर फोन आया था कि एक ट्रक लूट गया है दीपू डाला के पास से। इसके बाद जैसे सूचना मिली पुलिस एक्टिवेट हुई और थाना रजपुरा क्षेत्र में पड़ता है तो थाना रजपुरा की पुलिस, चौकी टी पॉइंट की पुलिस, चौकी गवां की पुलिस और मैं स्वयं और प्लस पूरे गुन्नौर सर्किल की पुलिस को हर नाके पर चेकिंग के लिए लगाया गया। चेकिंग के दौरान गाड़ी खोजी गई, हर चौराहे पर चेक किया गया तो एक जगह एक गाड़ी खड़ी मिली। वहाँ एक आदमी बगल में भागने के विराज में गाड़ी खड़ी किया था, वहाँ देखा गया तो एक आदमी जा रहा था, उसे रोका गया तो वो तेज़ी से भागने लगा तो पुलिस ने दौड़ा के पकड़ा। तो उसे पूछा तो कहा कि मैं वो जो ट्रक था दीपू डाड़ा कि मैंने चोरी किया था और वो चोरी की गाड़ी जो है वो टायर फट गया था तो मैं उसे अपनी निशानदेही पर उसने बताया। उस निशानदेही पर नूरपुर के पास से ट्रक बरामद किया गया और उस चोर को और भी कराए से पूछा गया तो बताया कि मेरे साथ एक लोग और थे, एक लोग का नाम बता रहा है कि एक लोग और थे जो कि दोनों लोग मिलकर के हम लोग एक ट्रक चोरी का प्लान बनाए थे और ये सीमेंट लगभग 16 लाख का भरा हुआ सीमेंट था, हमें बेचने के फिराक में थे। क्योंकि इस ट्रक में GPS लगा हुआ था, GPS 16 तारीख को डीएक्टिवेट हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैंने एक मित्र के साथ उसने ये किया लेकिन करना सफल नहीं हो पाया। पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया, पकड़ के मुलजिम से जेल भेज रही है। वहाँ का ट्रक कैसे मिली? ये ट्रक उत्तराखंड के काशीपुर का रहने वाला है। मालिक से संपर्क करके मुकदमा पंजीकृत करा करके इन अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है।